हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज रितिका सुंगोटर एंड यू आर वॉचिंग अमेजिंग फूड सीरीज कॉल्ड एज नागपुर फूड सीरीज। और ये वाला जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर हम ऐसे ऐसे लोकेशन जाने वाले हैं यार, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टाइमिंग बताओ और ये यहाँ का ना एड्रेस बताओ। हम लोग का टाइमिंग है मॉर्निंग 7 से पोहा आपका स्टार्ट हो जाता है, तो 1 बजे तक आपको पोहा मिलेगा और 1 बजे के बाद फिर रात के 9 बजे तक आपको समोसा मिलेगा। उस बीच आपको कचौरी मिलेगी, पालक वड़ा मिलेगा और आलू बुंदा मिलेगा। और सातों दिन ओपन और ये सातों दिन ओपन रहता है। और प्लेस कितनी ओल्ड है? इसे हो चुका है नियर अबाउट 25 to 30 ईयर्स। ओके, थैंक यू भैया। हम जो लोकेशन पे आए हैं वो है श्रद्धा फरसान। बहुत पुरानी लोकेशन है और बहुत क्राउडेड लोकेशन है। आप मेरे पीछे देखोगे ना, बहुत मतलब भीड़ है और यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक होती है। तो यार शोर आ रहा होगा, तो रियली सॉरी बट यहाँ पे हमने अभी ना पोहा लिया है और 1 बजे के बाद ना इनके समोसे चालू हो जाते हैं। नाइस यार। इन्होंने बहुत कुछ डाला है यार, प्याज डाला है, तरी डाली है, कच्चा चिवड़ा डाला है, शेव डाला है। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा ना, साउजी पोहे में कच्चा चिवड़ा नहीं था, बट एक जगह थी यार रामजी यार, वहाँ पे भी सेम टाइप का प्रिपरेशन था। नाइस, थैंक यू अभिनव भाई फॉर सजेस्टिंग। ये बनती है भाई 10 में से 9.5 वाली। तो गाइस, मेरा पोहा खाके हो गया था, तो मेरे को एक भैया मिले, तो भैया से मैं पूछना चाहता था, भैया आप कितने सालों से आ रहे हो? मैं तीन साल हो गए। और आपको क्या क्या पसंद है यहाँ? यहाँ समोसा पोहा वगैरह दोनों बेस्ट हैं यहाँ का। अच्छा, समोसा पोहा। समोसा अलग रहता है और पोहा अलग रहता है। अच्छा, और फैमिली को भी आपकी? हाँ सर, सारे। रेटिंग बोले जाए तो रेटिंग है ना 5 out of 5 पोहा में बोलो तो। सो गाइज, ये ऐसी लीजेंडरी प्लेस है जहाँ पे आपको जलेबी, उसके बाद समोसा, उसके बाद तर्री पोहा और ढोकला मिस नहीं करना चाहिए। ढोकला का ना लफीनेस देखना, लफीनेस। और यार मैंने जब अभी अप्रोक्सीमेटली काउंट किया, 500 प्लस मिनिमम बोल रहा हूँ, बिकता ही है समोसा, बिकता ही है। नाइस, जलेबी का ना करारापन देखना। जलेबी 10/10 अति उत्तम, ये डेफिनेटली ट्राई करना। इसलिए हमने तीनों टाइप की जलेबी ले ली, अब लास्टली समोसा ट्राई करते। कितने साल से आ रहे हो भैया?
गए होंगे, हाल तो नहीं हुए, 6-7 महीने। आपको 8 साल। 8 साल। क्या क्या पसंद है यहाँ पे? मेरे को सबसे ज़्यादा पोहा। पोहा, हाँ। और दूसरा है ढोकला। ढोकला, ओके। पोहा और ढोकला, सही है, सही है। थैंक यू भैया। एंड मोस्ट अमेजिंग समोसा इन नागपुर। भैया दिन में कितने तल जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली अभी ये कितना है? ये कितना है? 70 प्लेट है। ऐसा कितना डेली? कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। तो फाइनली आफ्टर वेटिंग ऑफ 1 आवर हमको मट्ठा मिल गया है। 12 बजे आए थे, 1 बजे मट्ठा मिला। मट्ठे के लिए रुके थे यार। ये देखो यार, यहाँ पे गाइस आपको बताना चाहता हूँ यार, 200 लीटर मट्ठा बनता है। 200 लीटर मतलब मजाक नहीं होता यार। हमारे पुणे में तो यार 50 या 70 लीटर की तर्री बनती है, वो भी मिसल की। यार 200 लीटर मट्ठा, पहले मट्ठा ही पी लेता। माइंड रिफ्रेश हो गया यार। एकदम गर्म है, मट्ठा है ना। एपिक मैन, एपिक। हिंगा समोसा, तीखा स्पाइसी, साथ ही साथ ठंडा ठंडा मीठा मीठा मट्ठा। वॉट अ कॉम्बिनेशन मैन, डू ट्राई इट एट श्रद्धा फरसान महल। 10 में से 9.5 कहीं कटते नहीं। सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी कारण ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आपको बताना चाहता हूँ, वाह 200 लीटर का रोज मट्ठा बनता है, इसलिए तो भी एक बार ट्राई करने जरूर जाना। आपसे मिलता हूँ जल्दी कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।